हेलो स्टूडेंट, दिस इज प्रतिभा चौधरी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर वन ह्यूमन बॉडी, फूड वी ईट। इस चैप्टर में हम आपको फूड के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। फूड इज नेसेसरी टू लिव, जीवित रहने के लिए फूड नेसेसरी है, फूड जरूरी है। ऑल लिविंग बींग्स नीड फूड फॉर देयर सर्वाइवल, सभी लिविंग बींग्स के लिए, जितने भी सजीव हैं सभी लिविंग बींग्स के लिए सर्वाइवल करने के लिए फूड की नीड होती है। फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क, फूड से हमको एनर्जी मिलती है कोई भी वर्क करने के लिए, मीन्स फूड हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। इट कीप्स अस हेल्दी, ये हमको हेल्दी रखता है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेज, और ये हमको डिसीजेज से भी प्रोटेक्ट करता है। इन आवर होम्स, हमारे घरों में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आर प्रिपेयर्ड ऑन वेरियस ओकेशंस, वेरियस ओकेशंस होते हैं उनमें डिफरेंट टाइप के फूड प्रिपेयर किए जाते हैं। मटर पनीर, शाही पनीर, वेरियस स्वीट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन दिवाली, होली एंड अदर ओकेशंस, लाइक मटर पनीर, शाही पनीर और जो वेरियस स्वीट्स हैं वो प्रिपेयर की जाती हैं। होली है, दिवाली है, अन्य जो फेस्टिवल्स होते हैं, अदर जो ओकेशंस होते हैं उन पर सभी मीन्स डिफरेंट टाइप के जो ओकेशंस होते हैं उनमें डिफरेंट टाइप के फूड प्रिपेयर किए जाते हैं। सोनू इज रेडी टू गो टू हिज स्कूल, सोनू है, इस स्टोरी है एक छोटी सी, सोनू जो है अपने स्कूल जाने के लिए तैयार होता है। हिज मदर, उसकी मदर सुनीता मेकिंग ब्रेकफास्ट, उसके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करती हैं। आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स सोनू इज रेडी टू टेक ब्रेकफास्ट, कुछ मोमेंट्स बाद सोनू रेडी हो जाता है ब्रेकफास्ट लेने के लिए। ही सॉ द आइटम्स अरेंज्ड ऑन टेबल एंड शाउटेड, तो टेबल्स पे कुछ आइटम्स अरेंज किए हुए रखे होते हैं, वो उनको देखता चिल्लाता है, नो नहीं, I don't like milk and eggs every day and especially this bread butter. नहीं, मुझे milk and eggs बिल्कुल भी पसंद नहीं है every day और especially ये bread butter. Sunita told him, सुनीता ने उसको कहा, milk and egg gives you energy, milk and eggs से तुमको energy मिलती है and also helps in building your bones. और ये तुम्हारी bones को बनाने में भी, build करने में भी ये help करते हैं। बटर गिव्स यू एनर्जी टू वर्क, और बटर से तुमको एनर्जी मिलती है कोई भी वर्क करने के लिए। सोनू आस्क्स टू हर, सोनू ने उससे पूछा, ओके नाउ व्हाट इज इन माय लंच बॉक्स, अच्छा मेरे लंच बॉक्स में क्या है। सुनीता टोल्ड हिम, सुनीता ने उसको कहा, देयर आर फोर चपातीज, बीन्स एंड सैलड इन योर लंच बॉक्स, तुम्हारे लंच बॉक्स में फोर चपातीज हैं, सैलड हैं, बीन्स हैं। सोनू रिप्लाइड, सोनू उसको जवाब देता है, मॉम मम्मी डैट इज नॉट फेयर, ये सही नहीं है, यू नो वेल डैट आई डोंट लाइक बीन्स एंड चपातीज, आप अच्छे से जानती हो मुझे बीन्स एंड चपातीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सुनीता रिप्लाइड हम, सुनीता ने उसको जवाब दिया, आई विल पुट राइस एंड दाल टुमारो इन योर लंच बॉक्स, मैं कल तुम्हारे लंच बॉक्स में दाल चावल रख दूंगी, नाउ यू आर हैप्पी, अब तुम खुश हो। सोनू क्वेश्चन टू हर, सोनू ने उसको क्वेश्चन किया, वाई डोंट यू पुट बर्गर एंड पिज्जा इन लंच बॉक्स, तुम मेरे लंच बॉक्स में बर्गर और पिज्जा क्यों नहीं रख देती हो। सुनीता ने उसको कहा, सोनू दिस फूड गिव यू एनर्जी, इन फूड से तुमको एनर्जी मिलती है, बिल्ड योर बॉडी, ये तुम्हारी बॉडी को बिल्ड करते हैं एंड कीप्स यू हेल्दी, और तुमको हेल्दी रखते हैं। सोनू ने उसको पूछा मीन्स अपनी मदर सुनीता को, मॉम मम्मी डू बर्गर एंड पिज्जा नॉट गिव यू एनर्जी, क्या बर्गर और पिज्जा से हमको एनर्जी नहीं मिलती एंड कीप अस फिट, क्या ये हमको फिट नहीं रखते। सुनीता टेल्स सोनू टू रीड द साइंस बुक, सुनीता ने उसको कहा कि तुम अपनी साइंस बुक रीड करो एंड फाइंड अबाउट वेरियस कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड, जिससे कि तुम वेरियस जो फूड के कॉम्पोनेंट्स हैं उनके बारे में उसमें जानोगे। नाउ लेट अस हेल्प सोनू टू रीड द बुक, चलिए हम सोनू की बुक रीड करने में उसकी हेल्प करते हैं। फर्स्ट कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड, वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड सच एज वीट, राइस, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्पाइसेस एंड एडिबल ऑयल्स, कुछ डिफरेंट टाइप्स के फूड होते हैं जिनको हम खाने में लेते हैं, जैसे कि वीट है, राइस, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्पाइसेस एंड एडिबल ऑयल्स। द फूड वी ईट कंटेन्स सब सब्सटेंस डेट आर एसेंशियल फॉर आवर ग्रोथ, मीन्स इस फूड में
क्या शामिल रहते हैं। ये क्यों जरूरी होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे सब्सटेंस कंटेन रहते हैं जो कि हमारे ग्रोथ करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। दीज सब्सटेंसेज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ये सब्सटेंसेज क्या कहलाते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। दीज प्रोवाइड नरिशमेंट टू द बॉडी। ये हमारी बॉडी को नरिशमेंट यानी पोषण प्रदान करते हैं। सम गिव एनर्जी, सम बिल्ड द मसल्स एंड सम हेल्प अस टू फाइट विद द डिसीजेस। कुछ फूड से हमको एनर्जी मिलती है, कुछ फूड हमारी मसल्स को बिल्ड करने में हेल्प करता है और कुछ डिसीजेस से फाइट करने में हेल्प करता है। सो स्टूडेंट, फूड क्यों जरूरी होता है, क्योंकि ये हमारे बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ओके, देयर आर मेनली फाइव टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। कितने टाइप्स के होते हैं न्यूट्रिएंट्स, फाइव टाइप्स के होते हैं। दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। कौन कौन से स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स होती है, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं एंड मिनरल्स होते हैं। दीज आर असेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। ये हमारे बॉडी को डेवलप करने में और प्रॉपर ग्रोथ करने में बहुत जरूरी होते हैं। बिसाइड दिस न्यूट्रिएंट्स, रफेज एंड वाटर आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन आवर डाइट। हमारी डाइट में रफेज एंड वाटर, न्यूट्रिएंट्स के अलावा रफेज एंड वाटर इंक्लूड रहता है हमारे डाइट में। क्या इंक्लूड रहता है स्टूडेंट्स, जल्दी बताइए, रफेज एंड वाटर। एंड न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, फाइव टाइप्स के, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स गिव अस एनर्जी टू वर्क। कार्बोहाइड्रेट्स से हमको वर्क करने के लिए एनर्जी मिलती है, सो दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। इसलिए वो क्या होते हैं, एनर्जी गिविंग फूड होता है। पीपल हु डू फिजिकल वर्क नीड अ डाइट रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। पीपल्स को, किसी भी पीपल को कोई भी फिजिकल वर्क करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स की डाइट की नीड होती है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट अधिक अमाउंट में, मीन्स लार्ज अमाउंट में मिलता है। वी गेट कार्बोहाइड्रेट्स इन टू फॉर्म्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमको टू फॉर्म्स में मिलता है, शुगर केन स्टार्च के फॉर्म में। फूड आइटम्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, चॉकलेट्स एंड स्वीट्स कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। कुछ ऐसे फूड्स होते हैं लाइक जैसे कि आपका फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, सीरियल्स हैं, चॉकलेट्स हैं एंड स्वीट्स हैं, इनमें कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन रहता है। टू मच इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कैन मेक अस फैट। ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स लेने से फैट बन सकता है। सो स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स क्यों जरूरी होता है, क्योंकि ये एक एनर्जी गिविंग फूड है और कोई पीपल को कोई भी फिजिकल वर्क करने के लिए कार्बोहाइड्रेट से भरे डाइट की जरूरत होती है। ओके, नाउ सेकेंड, प्रोटीन्स। प्रोटीन हेल्प्स इन बॉडी बिल्डिंग। प्रोटीन बॉडी बनाने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड ये बॉडी की ग्रोथ करने में भी हेल्प करता है। चिल्ड्रन मस्ट टेक फूड रिच इन प्रोटीन। चिल्ड्रंस को, स्टूडेंट्स, आपको प्रोटीन से भरे हुए फूड लेना चाहिए। पल्सेस, पीस, बीन्स, चीज, एग, फिश एंड मीट आर द रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। सोर्सेज है प्रोटीन के, सोर्सेज कौन से हैं, पल्सेस है, पीस है, बीन्स है, चीज है, एग है, फिश है एंड मीट। दीज आर द सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। इट ऑल्सो हेल्प इन द रिपेयर ऑफ बोन आउट सेल्स एंड ये रिपेयर बोन सेल्स को रिपेयर करने में भी हेल्प करता है। ड्यू टू दिस रीजन, इसी रीजन की वजह से प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन क्या कहलाता है, बॉडी बिल्डिंग फूड्स। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ प्रोटीन इन आवर बॉडी। हाँ, प्रोटीन्स हेल्प्स इन बॉडी बिल्डिंग। ओके, फैट्स, फैट्स ऑल्सो प्रोवाइड अस एनर्जी। फैट भी हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। दे प्रोवाइड मोर हीट एंड एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की अपेक्षा हमको इससे ज्यादा हीट मिलती है। फैट इज स्टोर इन आवर बॉडी टू कीप अस वार्म। फैट हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है और हमारी बॉडी को वार्म रखता है। इट गिव्स अस एनर्जी व्हेन देयर इज स्कार्सिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड इन आवर बॉडी। जब हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट से भरे डाइट की फूड की कमी हो जाती है, देन उस टाइम ये हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। कौन, फैट। फैट हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। ऑयल, नट्स, बटर, घी आर फैट रिच फूड्स। ऑयल है, नट्स हैं, बटर हैं, घी, ये क्या है, फैट रिच फूड्स होते हैं। वी शुड टेक फैट्स ओनली इन लिमिटेड
क्वांटिटी, हमको फैट्स लिमिटेड क्वांटिटी में लेना चाहिए। कैसे लेना चाहिए बच्चों फैट हमको? एक लिमिटेड क्वांटिटी में। टू मच ऑफ फैटी एंड ऑयली थिंग्स मेक अस फैट। ऑयली एंड जो फैटी थिंग्स हैं, चीजें हैं, वो हमको क्या बना सकती हैं? फैट, मोटा बना देती हैं। एंड ओबेज, फैट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज एनर्जी गिविंग फूड। फैट भी क्या कहलाता है? एनर्जी गिविंग फूड कहलाता है। दे गिव अस ट्वाइस एनर्जी एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के कम्पेयर इससे हमको दुगनी एनर्जी यानी दो गुना एनर्जी मिलती है किससे? फैट से। नाउ विटामिन्स एंड मिनरल्स। सो स्टूडेंट, फैट का क्या यूज होता है? जब कार्बोहाइड्रेट से भरे डाइट की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है, स्कार्सिटी हो जाती है, देन उस टाइम फैट हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी को। ओके, विटामिन्स एंड मिनरल्स कीप अस हेल्दी बाय फाइटिंग अगेंस्ट डिसीज। विटामिन्स एंड मिनरल्स भी क्या करते हैं? फाइट करते हैं हमारे डिसीज से और हमारे शरीर को हेल्दी रखते हैं। दे हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ टीथ, बोन्स एंड ब्लड। टीथ की, बोन्स की एंड ब्लड की फॉर्मेशन करने में ये हमको हेल्प करता है। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटी बट दे नीड टू बी टेकन रेगुलरली। जो विटामिन्स एंड मिनरल्स, उनको हमारी बॉडी को एक लिमिटेड क्वांटिटी में इसकी नीड होती है, लेकिन ये हमको रेगुलरली लेने चाहिए। सम मिनरल्स लाइक कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम एंड आयोडीन। कुछ मिनरल्स हैं जैसे कैल्शियम है, आयरन है, पोटेशियम है एंड आयोडीन आर नीडेड इन स्मॉल अमाउंट्स बाय वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी के जो वेरियस पार्ट्स हैं उनको इसकी एक स्मॉल क्वांटिटी में नीड होती है। टेबल सॉल्ट इज गुड सोर्स ऑफ आयोडीन। जो टेबल सॉल्ट है वो क्या है? एक अच्छा गुड सोर्स है आयोडीन का। सो विटामिन्स एंड मिनरल्स क्यों जरूरी होते हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि ये हमारे ब्लड की, टीथ की एंड बोन्स की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। और हमारे शरीर को इसकी कितनी क्वांटिटी में जरूरत होती है, कितनी क्वांटिटी में नीड होती है? स्मॉल क्वांटिटी में। ओके, जैसे आपके कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम एंड आयोडीन। फ्रेश फ्रूट, मिल्क एंड विटामिन, वेजिटेबल्स आर द रिच सोर्सेज विटामिन एंड मिनरल्स फ्रॉम फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मिल्क एंड एग्स। फ्रेश फ्रूट्स हैं, मिल्क है, वेजिटेबल है, ये क्या है? सोर्सेज हैं विटामिन एंड मिनरल्स के। कौन कौन से हैं बच्चों? फ्रेश फ्रूट, मिल्क एंड वेजिटेबल्स। विटामिन एंड मिनरल्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस डिसीजेस एंड ड्यू टू दिस रीजन दीज आर ऑल्सो नोन एज प्रोटेक्टिव फूड। विटामिन एंड मिनरल्स भी बहुत डिसीज से हमको प्रोटेक्ट करते हैं और इसी रीजन की वजह से ये क्या कहलाते हैं? प्रोटेक्टिव फूड। नाउ रफेज, रफेज इज द फाइबर्स प्रेजेंट इन द फूड। ये हमारे फूड में एक फाइबर के रूप में प्रेजेंट रहता है। रफेज डिड नॉट गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। ये हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, बट इट हेल्प्स इन डाइजेशन एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। बट जो हमारा वेस्ट होता है इसको रिमूव करने में और हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में ये हमारी हेल्प करता है। रफेज कीप्स आवर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्लीन। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज एक तरह का पार्ट है बॉडी का जो कि इसको क्लीन करके रखता है। रफेज उसको क्लीन करता है। रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर द रिसोर्सेज ऑफ रफेज। रफेज के सोर्सेज क्या है? रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। नाउ अब बताइए रफेज का क्या यूज है, जल्दी बताइए। रफेज हमारी बॉडी में फूड को डाइजेस्ट करने में एंड जो हमारा वेस्ट होता है उसको रिमूव करने में हमारी हेल्प करता है। ओके, वाटर। वाटर इज एन एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ आवर डाइट। वाटर एक असेंशियल कॉम्पोनेंट है हमारी डाइट का। इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। ये हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। वी लॉस वाटर व्हेन वी स्वेट पास यूरिन एंड इवन व्हेन वी ब्रेथ आउट। जो हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं और हमारे पसीने के थ्रू और यूरिन के थ्रू जो हमारा वाटर है वो हमारे शरीर से कम हो जाता है। वाटर हेल्प्स टू मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर एंड इज अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस। वाटर डाइजेस्टिव जूसेस का एक पार्ट है और ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी हमारी मदद करता है। वी मस्ट ड्रिंक एटलीस्ट 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरीडे। हमको एवरीडे 6 to 8 ग्लासेस वाटर कम से कम एटलीस्ट पीना चाहिए। सो व्हाट इज द यूज ऑफ वाटर इन आवर बॉडी?
क्यों? क्योंकि ये हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है और ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी मदद करता है। नाउ बैलेंस डाइट। आवर डाइट डेट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स इन राइट प्रोपोर्शन इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। व्हाट इज अ बैलेंस डाइट? ऐसी डाइट जिसमें कि सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स आपके कंटेंट रहते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, फैट्स है, विटामिन्स एंड मिनरल्स एक राइट प्रोपोर्शन में, वो हमारा बैलेंस डाइट कहलाता है। अ बैलेंस डाइट इज मस्ट टू कीप अस हेल्दी। ये हमको क्या रखती है? बैलेंस डाइट हेल्दी रखती है। सो बैलेंस डाइट का क्या यूज होता है स्टूडेंट्स? क्योंकि इसमें राइट प्रोपोर्शन में, सही मात्रा में सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड रहते हैं, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, इसलिए ये हमारी बॉडी के लिए इसकी नीड होती है। केयर ऑफ फूड टू अवॉइड वेस्ट। खाने की केयर करें जिससे कि वो खराब ना हो। फूड आइटम्स व्हेन लेफ्ट इन ओपन गेट स्पॉइल्ड आफ्टर सम टाइम। आप अपने फूड को देखिए, फूड आइटम्स को आप खुले में रख देते हैं तो कुछ टाइम बाद वो बिल्कुल स्पॉइल यानी खराब हो जाता है। टू सेव द फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड इट नीड्स टू बी प्रिजर्व। हम अपने फूड को स्पॉइल खराब होने से बचा सकें, सेव कर सकें, उसके लिए क्या जरूरी है? उसको प्रिजर्व करने की नीड है। द मेथड ऑफ प्रिजर्विंग अ फूड इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। प्रिजर्विंग की जो मेथड, प्रिजर्व किसी भी फूड को प्रिजर्व करने का मेथड क्या कहलाता है? फूड प्रिजर्वेशन। बाय प्रिजर्विंग, प्रिजर्विंग के द्वारा द फूड कैन बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम। हम लंबे समय तक अपने फूड को रख सकते हैं। बोथ कुक्ड और अनकुक्ड फूड कैन बी प्रिजर्व। बोथ कुक, पका हुआ, और बिना पका हुआ फूड भी, हम उसको दोनों तरीके के फूड को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। फूड कैन बी प्रिजर्व बाय द फॉलोइंग मेथड। फूड को हम कुछ फॉलोइंग मेथड के द्वारा प्रिजर्व कर सकते हैं। फर्स्ट, फ्रीजिंग। फूड आइटम्स लाइक डिशेज मेड इन होम। फूड आइटम्स जो आपके घर पर डिश तैयार किए जाते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स आर स्टोर्ड इन कोल्ड टू अवॉइड देम गेटिंग स्पॉइल्ड। वेजिटेबल और फ्रूट्स रखे हैं, ये देखिए कितने सारे फूड के आइटम्स रखे हैं। क्यों रखे हैं? जिससे कि स्पॉइल ना हो। सो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट स्टोर किए जाते हैं, उन्हें कोल्ड में रखा जाता है जिससे कि वो स्पॉइल यानी खराब ना हो। कैनिंग। इन दिस मेथड, इस मेथड में फूड आइटम्स आर प्रोसेस्ड एंड देन पैक्ड इन एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर मीन्स जिसमें हवा पास नहीं होती है, उस कंटेनर में आपके फूड को प्रिजर्व करके रखा जाता है जिससे वो खराब ना हो, उसको पैक करके रखते हैं। थर्ड, सॉल्टिंग। इन दिस मेथड, इस मेथड में फूड आइटम्स आर एडेड विद सॉल्ट टू मेक देयर पिकल। पिकल बनाने के लिए इस मेथड में हम सॉल्ट ऐड करते हैं अपने फूड में, जिससे हम उसको प्रिजर्व करके रख सकें और एक वो लॉन्ग टाइम तक चल सके। बाय एडिंग शुगर्स इन दिस मेथड, इस मेथड में फूड आइटम्स लाइक फ्रूट्स आर एडेड विद शुगर टू मेक देयर जैम, जेलीज एंड चटनी। जो फ्रेश फ्रूट्स होते हैं उनसे जैम, जेलीज एंड चटनी बनाते हैं, तो उस मेथड में हम शुगर ऐड करते हैं जिससे कि हम उसको प्रिजर्व करके रख सकें एक लंबे टाइम तक। फिफ्थ, बाय एडिंग ऑयल्स इन दिस मेथड, इस मेथड में ऑयल्स आर एडेड टू फूड आइटम टू प्रिजर्व देम। हम इसमें ऑयल ऐड करते हैं, जैसे आपके पिकल है, हम उसमें ऑयल क्यों ऐड करते हैं? जिससे वो प्रिजर्व होके रह सके एक लॉन्ग टाइम तक, इसलिए इस मेथड में हम ऑयल डालते हैं अपने फूड में जिससे कि हम प्रिजर्व कर सकें उसको। सिक्स है, बाय डिहाइड्रेशन सम फूड आइटम्स आर ड्राइड बिफोर स्टोरिंग। सुखाने से पहले कुछ फूड आइटम्स को इस ड्राई करके रखते हैं, यानी स्टोर करने से पहले हम उसको ड्राई करते हैं, सुखाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आपका अचार है, पिकल, उसको हम सुखाते हैं जिससे वो खराब ना हो और लॉन्ग टाइम तक चल सके। रोल ऑफ प्लांट्स इन आवर लाइफ। प्लांट्स का क्या लाइफ, हमारे प्लांट्स का क्या रोल है हमारी लाइफ में? ऑल द फूड आइटम्स डेट वी आर फैमिलियर विद कम डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। जितने भी फूड आइटम्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमको किससे मिलते हैं? प्लांट से। फूड आइटम्स लाइक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कम डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। कुछ फूड आइटम्स हैं जो हमको, जैसे वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो आपको बच्चों डायरेक्टली आपको ट्रीज से, प्लांट्स से मिल जाती हैं। सम अदर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग, चीज, बटर आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। कुछ अदर जो फूड आइटम्स हैं लाइक, जैसे कि मिल्क है, एग है, चीज है, बटर है, ये हमको किससे ऑब्टेन होती हैं? एनिमल्स से। एनिमल्स आर ऑल्सो डिपेंड ऑन फूड फॉर देयर फूड ऑन प्लांट्स। मीन्स जो एनिमल्स हैं वो भी प्लांट्स पर डिपेंड हैं अपने फूड के लिए। सो इट कैन बी सेड डेट, इसलिए हम कह सकते हैं दीज आइटम्स आर ऑब्टेन इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स।
ये फूड भी हमको किससे मिलते हैं? इनडायरेक्टली प्लांट से। क्यों बच्चों? जब तक एनिमल्स आपके ट्रीज नहीं खाएंगे क्या वो अपना मिल्क एग क्या ये कर सकते हैं? नहीं ना। तो इसलिए इनडायरेक्टली रूप से हम किस पर डिपेंड है? प्लांट्स पर। इन शॉर्ट छोटे में, प्लांट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अस। प्लांट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं। दे प्रोवाइड अस फूड, ऑक्सीजन एंड मैनी अदर थिंग्स। बिकॉज क्यों? क्योंकि फूड ये हमको फूड प्रोवाइड करते हैं, ट्रीज हमको ऑक्सीजन एंड बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। सो इट इज़ आवर ड्यूटी, इसलिए ये हमारी ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट ट्रीज, कि हम ट्रीज को प्रोटेक्ट करें। वी शुड एनकरेज पीपल नॉट टू कट डाउन ट्रीज, और पीपल्स को एनकरेज करें कि उनको पेड़ नहीं काटने चाहिए। ट्रीज कीप द एनवायरमेंट क्लीन एंड ग्रीन। बच्चों क्यों नहीं काटने चाहिए? क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं, ट्रीज हैं, वो हमारे एनवायरमेंट को क्लीन एंड हरा भरा, ग्रीन मीन्स हरा भरा रखते हैं और साफ रखते हैं। ऑल ऑफ अस शुड ग्रो एटलीस्ट वन प्लांट एवरी ईयर। प्रत्येक साल में आपको हर साल कम से कम एक पौधा उगाना चाहिए। सो ट्रीज हमारे लिए क्यों जरूरी होते हैं? क्योंकि इनसे हमको ऑक्सीजन मिलती है, ये हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं, बहुत सी चीजें प्रोवाइड करते हैं। ओके सो स्टूडेंट, ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने आपको चैप्टर रीड किया, अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट है चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट, द असेंशियल सब्सटेंस प्रेजेंट इन फूड डेट नरिश द बॉडी आर कॉल्ड एलिमेंट्स, न्यूट्रिएंट्स, रिसोर्सेज या कंपोनेंट्स। जल्दी बताइए क्या है? न्यूट्रिएंट्स। सेकंड, राइस, व्हीट, मेज एंड पोटैटो आर रिसोर्स ऑफ। राइट, व्हीट, मेज एंड पोटैटो किसके रिसोर्सेज होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, मिनरल्स या विटामिन। किसके? कार्बोहाइड्रेट्स। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड ग्रुप्स इन रिच इन प्रोटीन। ऐसा फूड ग्रुप्स बताना है जिनमें प्रोटीन्स होते हैं, राइस, व्हीट, मेज। सेकंड, ऑयल, नट्स, बटर, सी पल्सिस, पीज, एग्स या ऑरेंज, बनाना, आंवला। क्या है? पल्सिस, पीज एंड एग्स आर द रिसोर्सेज ऑफ प्रोटीन। फोर्थ, द फाइबर कंटेंट ऑफ द फूड इज कॉल्ड मिनरल, विटामिन, सॉल्ट एंड रफेज। रफेज। फिफ्थ, बफर्स, पिज्जा एंड बर्गर्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटेक्टिव फूड, बॉडी बिल्डिंग, जंक फूड या एनर्जी गिविंग फूड। जंक फूड। विच वन इज नॉट अ बॉडी बिल्डिंग फूड? मिल्क, बटर, मीट या बर्गर। क्या है स्टूडेंट्स? बर्गर। बी एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द बॉक्सेस। इन बॉक्सेस की हेल्प से आपको एक्सरसाइज फिल करनी है। फर्स्ट, चिल्ड्रन नीड मोर डैश एज दे आर ग्रोइंग। स्टूडेंट्स, चिल्ड्रंस को भरने के लिए किसकी जरूरत होती है? प्रोटीन्स की। सेकंड, फिजिकल वर्कर्स नीड अ डाइट रिच इन। फिजिकल वर्कर्स को कौन सी डाइट चाहिए? कार्बोहाइड्रेट की डाइट की नीड होती है, कार्बोहाइड्रेट। थर्ड, डैश स्टोर्स एनर्जी टू बी यूज्ड इन फ्यूचर। फैट्स। फैट्स फ्यूचर के लिए एनर्जी स्टोर करके रखते हैं। फोर्थ, डैश रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। वाटर। फिफ्थ, अ बैलेंस्ड डाइट कंटेन्स ऑल टाइप ऑफ फूड, ऑल टाइप ऑफ डैश न्यूट्रिएंट्स। टेक द करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस। फर्स्ट, बटर इज अ रिसोर्स ऑफ प्रोटीन। आंसर, फॉल्स। सेकंड, वेजिटेबल्स शुड बी वॉश्ड आवर चॉपिंग। आंसर, ट्रू। थर्ड, न्यूट्रिएंट्स ऑफ द फूड आर एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड। आंसर, फॉल्स। फोर्थ, प्रोटीन रिपेयर्स वॉर्न आउट टिश्यूज ऑफ द बॉडी। आंसर, फॉल्स। फिफ्थ, कुकिंग मेक्स द फूड टेस्टी। आंसर, ट्रू। नाउ डू एक्सरसाइज, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग्स। फर्स्ट, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स शुड बी वॉश्ड बिफोर कटिंग देम। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स शुड बी वॉश्ड बिफोर कटिंग देम टू फ्री फ्रॉम डस्ट एंड जर्म्स। सेकंड, जंक फूड इज हार्मफुल फॉर हेल्थ बिकॉज जंक फूड कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ एडेड सॉल्ट एंड शुगर विच आर हार्मफुल फॉर हेल्थ। थर्ड, टू मच ऑफ फैट शुड बी अवॉइडेड इन द डाइट। आंसर, एक्सेस इनटेक ऑफ फैट कॉजेज ओबेसिटी, ड्यू टू दिस टू मच फैट शुड बी अवॉइडेड इन द डाइट। फोर्थ, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड बिकॉज दे हेल्प अस फाइटिंग अगेंस्ट डिसीजेज।
फिफ्थ प्लांट्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. आंसर प्लांट्स गिव्स अस ऑक्सीजन टू ब्रेथ एंड प्रोवाइड्स अस फूड टू ईट. सो वी कैन से डेट प्लांट्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. सिक्स एवरी फूड आइटम डेट वी ईट कम डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स. वी ऑब्टेन फूड डायरेक्टली फ्रॉम टू सोर्सेस प्लांट्स एंड एनिमल्स. एनिमल्स ऑल्सो ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स. इन दिस वे वी कैन से डेट एवरी फूड आइटम डेट वी ईट कम डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स. नाउ लास्ट एक्सरसाइज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट व्हाई शुड वी नॉट थ्रो द वाटर इन विच पल्सिस आर सोक्ड. सम न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन पल्सिस आर सोल्यूबल इन वाटर. ड्यू टू दिस वी शुड नॉट थ्रो द वाटर इन विच पल्सिस आर सोक्ड. हाउ आर प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स यूजफुल फॉर अस. आंसर प्रोटीन्स हेल्प्स अस इन बॉडी बिल्डिंग एंड कार्बोहाइड्रेट्स हेल्प्स अस इन प्रोवाइडिंग क्विक एनर्जी टू डू वर्क. वॉट इज जंक फूड. आंसर द फूड आइटम्स डेट कंटेन एडेड सॉल्ट एंड सुगर्स विच आर हार्मफुल फॉर हेल्थ आर कॉल्ड जंक फूड्स. वॉट इज बैलेंस्ड डाइट. A diet that contains all the nutrients, protein, carbohydrates, fats, vitamins and minerals in right proportion is called balanced diet. Fifth, what do you mean by preservation of food? Answer, the process of preserving food from getting spoiled is called food preservation. Question 6, what is the role of roughage in our diet? Answer, roughage helps in digestion and removal of waste. It keeps our digestive tract clean. 7th, why water is considered as an important component of our diet? Answer, water is an essential component of our diet. It helps in digestion of food. Water also helps to maintain our body temperature. 8th, what are the different methods of food preservation? Describe them in brief. Answer, the different methods of food preservation are by adding oils. In this method, oils are added to food item to preserve them. Second, by dehydration, some food items are dried before storing. Third, has salting. In this method, food items are added with salt to make their pickle. Okay, thank you, students.